हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है अंडा मसाला तवा। ये बिल्कुल सिंपल सा एक रेसिपी है। तो उस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4 अंडे को यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से अंडा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अंडे को आप पहले उबाल लें, फिर उसको बीच में से काट के डिवाइडेड कर लें। अंडे को हमने बीच में इसे काट लिया है। अब हम इस अंडे को तेल में फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमने गैस के ऊपर फ्राई पैन रख दिया है। उसमें 1 टेबल स्पून करीब सनफ्लावर ऑयल डाला है। तेल जब हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चुटकी भर नमक हमने ऊपर से डाला है। फिर उसके बाद आप इसके ऊपर से 1 चुटकी भर हल्दी डाल दें। और 1 चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डाल दें। और हल्का सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दें। अब आपको क्या करना है, सारे अंडे को इसके ऊपर एक एक करके इस तरीके से रख देना है। 2 मिनट तक इसे फ्राई करें। सावधानी से इसका यक जो है वो बाहर ना निकल जाए, सावधानी से इसको पलट दें। अंडा यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे। उसी फ्राई पैन में हम फिर तेल डालेंगे। सनफ्लावर ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून से भी कम, मतलब 1 चुटकी भर ज़ीरा उसमें डाल दें। 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ लें। प्याज जब तक हल्का ब्राउन होने लगे तब तक हम इसमें ये, तो आप इस तरीके से मसाले तैयार करके डालते हो तो मसाले जलने का डर नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक प्याली ले लिया है, उसमें मैं 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। और हमें इसमें ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे जीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और 1/4 टेबल चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस तरीके से मसाले आप जब तेल के ऊपर डालते हो तो ये मसाला बिल्कुल जलने का डर नहीं रहता है। अब इस मसाले को हमने तेल में डाल दिया है। ये 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर प्यूरी हम ऐड करेंगे। आप चाहे तो ये टमाटर पीस के डाल सकते हैं, टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पर हमने 1 मीडियम साइज का टमाटर उसका प्यूरी बना के डाल दिया है। अब इस मसाले को हम 2 मिनट तक पकाएंगे। जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। अब मसाला थोड़ा पक चुका है, बिल्कुल मतलब आधा पक चुका है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अंडे का मसाला यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यह अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें 1 प्याली पानी डाल दिया है। पानी में जब उबाल आने लगे तब हम इसमें डालेंगे अंडा। इस तरीके से आप अंडे को
बहुत ही संभाल के डालना है क्योंकि इसका अंदर का यक निकलने का डर रहता है। इस तरीके से आप अंडे को धीरे धीरे डालें और 5 मिनट तक इसे पकाएं। यहाँ पे मैं एक हरी मिर्च को बीच में से तोड़ के डाला है, एक साबुत डाला है, क्योंकि ज़्यादा मिर्च हो जाएगा फिर मेरे बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो अब मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप कितना मिर्च खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्च को ऐड करें। तो अंडे को इस तरीके से आप पलट दें। ये अंडा बिल्कुल पक चुका है, ये कितना अच्छा पक गया है, इसका अंदर का यक भी एक भी नहीं निकला है। अब हम इसके ऊपर से हरा धनिया काटा हुआ डाल देंगे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को घर पे बनाइए, खाइए और मेरे साथ शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो हरा धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 1 चम्मच टोमेटो केचप। अगर आपके पास टोमेटो केचप नहीं है तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा मीठा आ जाता है, अच्छा लगता है। तो ये हो गया बिल्कुल रेडी फिनिश। अब इसका और कुछ काम नहीं है, बिल्कुल ये रेसिपी यहीं पे फिनिश। रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना हमें कमेंट करके। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को ध्यान दीजिए, बाहर जाइए तो मास्क ज़रूर पहनिए। टेक केयर, बाय बाय।